क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का एरियल ये का कम से कम पूर्व का रुका हुआ है, और अभी सातवें वेतन का शासन ने जो जारी किया वो भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से, शासन के हमें नगद एरियल का भुगतान किया जाए, हम लोग पीपीएफ खाते में ना डाला जाए, क्योंकि पीपीएफ खाते में हमारा एरियल जाने से 15 साल के लटक जाएगा। तो हमारा ये मांग है पहली कि हमारा एरियल जो है वो नगद खाते में, हमारे खाते में नगद दिया जाए हमारे। और साथियों हमारी दूसरी मांग है इसमें हमारे स्थानांतरण लगातार होना है, देश भावना के चलते हमारा स्थानांतरण विभाग लगातार करता जा रहा है, कर्मचारियों को बिना किसी शिकायत के इधर से उधर फेंका जा रहा है, जिसके विरोध में मैं आज इस कलेक्ट्रेट में खड़ा हुआ हूँ। मेरी ये मांग है कि स्थानांतरण नीति के अनुसार ही स्थानांतरण किए जाए। कितने लोग आए आप लोग यहाँ? कम से कम 1000 कर्मचारी इस समय मौजूद है। पूरे जिले से हैं बाहर? जी पूरे जिले से हैं सर, जनपद भाई प्रदर्शन इस समय जनपद प्रदेश के पूरे सभी जनपदों में प्रदर्शन चल रहा है संगठन के द्वारा। सर हमारी कैशलेस की व्यवस्था शासन ने कर दी, पर अभी तक अस्पतालों को चिन्हित नहीं किया है कि हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो हम उनके उनको कहाँ दिखाई ले जाते हैं। एक खोखला उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक चाल चल रही है कि खोखली नीति, बस कागजों में हर चीज जारी कर दो, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का विचार कोई नहीं कर रहा है। मैं ये मांग करता हूँ शासन से भी प्रशासन से भी कि हमारी लंबित समस्याएं जितनी है वह पूरी की जाए। अभी तक पूरे प्रदेश में हंगामा चल रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, हमारा 1900 पे ग्रेड लागू किया जाए, अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लागू किया जाए, परंतु सरकार नहीं मान रही है, हर धर्मिता दिखा रही है। 9 अगस्त के लिए जनपद लखनऊ के अंदर निदेशालय का उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र पाल सिंह के द्वारा घेरा होगा, और वहां कर्मी